हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीतास क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में एबेकस के बारे में बताने वाली हूँ। आप ये जो फ्रेम देख रहे हैं इसे एबेकस बोलते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि एबेकस का उनके बच्चों की लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एबेकस बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो वही आज इसे कैसे यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आप ये जो देख रहे हैं इसे एबेकस बोलते हैं, और जो आप ये येलो कलर के देख रहे हैं इन्हें बीट्स बोला जाता है। बीच में एक लाइन है जिसे बार लाइन बोला जाता है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं इन्हें रॉड्स बोला जाता है। अब बार लाइन के ऊपर आप 5 डॉट्स देख रहे हैं, वाइट कलर के डॉट्स हैं, और जो मिडल का डॉट है उसे बोला जाता है यूनिट पॉइंट या यूनिट प्लेस या मिडल हाउस पॉइंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हर सम हमको इस यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करना है। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो इसे अपर बीट्स बोला जाता है और इसे लोअर बीट्स बोला जाता है। अपर बीट की वैल्यू हमेशा 5 होती है और लोअर बीट की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और हमें सम्स हमेशा यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करना है। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी सम्स करने से पहले या कोई भी नंबर लेने से पहले हमें जो एबेकस है वो 0 पे सेट करना होता है। नाउ हम हमेशा बोलते हैं कि आफ्टर ईच एंड एवरी सम्स सेट योर एबेकस टू 0। नहीं तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जूम योर एबेकस। जूम योर एबेकस मतलब ऐसे बच्चा 2 फिंगर्स लेके एबेकस की बीट्स को जूम करता है, और कोई भी बीट्स जो है वो बार लाइन के साथ टच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बीट्स बार लाइन के साथ टच होती है तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है। अभी सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि हम इसे करेंगे कैसे। कुछ कोई भी सम्स हो हमें इस मिडल प्लेस से ही स्टार्ट करना है, जिसे यूनिट प्लेस बोलते हैं। सपोज़ ये जो नंबर है अगर हमें +1 लेना है तो हम इस बीट्स को ऊपर कर देंगे, और अगर हमें -1 करना है तो हम इस बीट्स को नीचे कर देंगे। अगर हमें +2 करना है तो ये 2 बीट्स ऊपर हो जाएंगी, और अगर -2 करना है तो 2 बीट्स नीचे हो जाएंगी। अगर +3 करना है तो 3 बीट्स ऊपर हो जाएंगी, और अगर -3 करना है तो 3 बीट्स नीचे हो जाएंगी। +4 करना है तो 4 बीट्स ऊपर हो जाएंगी, और -4 करना है तो 4 बीट्स नीचे हो जाएंगी। और अगर हमारे पास 5 नंबर है हमें +5 करना है तो हम ऊपर की बीट को मूव करेंगे, तो ये जो है ये बीट बार लाइन को टच हो जाएगी, तो मतलब ये हमारा हो गया +5। और अगर हमें इसको -5 करना है तो हम इसको बार लाइन से ऊपर ले जाएंगे, मतलब दूर ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा -5। अभी ऐसी अगर हमारे पास +6 है तो +6 कैसे करना है, हमको ये 2 बीट्स साथ में लेनी है, 5 + 1 = 6। और अगर -6 है तो 2 बीट्स साथ में पीछे करनी है -6। और अगर +7 है तो हमें ये 2 बीट्स ऊपर की 5 और नीचे की 2 बीट्स, मतलब 5 6 7। और अगर -7 है तो अवे फ्रॉम द बार लाइन। ऐसे ही अगर +8 है तो इसको ऐसे करेंगे, और -8 है तो अगेन अवे फ्रॉम द बार लाइन। और अगर +9 है तो इसको ऐसे करेंगे, और -9 है तो अगेन अवे फ्रॉम द बार लाइन। और आफ्टर ईच एंड एवरी सम्स हम सेट योर एबेकस टू 0 करेंगे या जूम योर एबेकस करेंगे। अब मैं आपको सपोज नंबर लेती हूँ, मेरे पास नंबर है सपोज +1, तो मैंने 1 बीट ऊपर कर दी। अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर है +2, तो मैंने 2 बीट्स ऊपर कर दी। अब मेरे पास थर्ड नंबर है +5, तो मैंने 5 बीट नीचे कर दी। अब मुझे क्या वैल्यू मिल गई, 5 6 7 8 8, तो मेरी वैल्यू आ गई 8। अब मेरा ये एग्जांपल सम हो गया, तो अगेन मैं क्या करूँगी, जो ये एबेकस है उसको 0 पे सेट करूँगी, मतलब कोई भी बीट्स है वो उसके साथ बार लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो सपोज अभी मेरे पास नंबर है 3, तो ये 3 बीट्स यहाँ से ऊपर चली जाएंगी। तो अगर मुझे इसके बाद -2 करना है तो -2 2 बीट्स नीचे आ जाएंगी, और +5 करना है तो 5 यहाँ आ गया, तो अब मेरी वैल्यू क्या हो गई, 6। तो इस तरह हम यूनिट प्लेस को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि यूनिट के बाद टेंस प्लेस को कैसे यूज़ करते हैं। अब हमेशा मैंने आपको बोला है कि आफ्टर ईच एंड एवरी सम वी हैव टू सेट अवर एबेकस टू 0।
हमेशा हर सम्स के बाद जो हमें एबेकस को जीरो पे सेट करना पड़ता है। अब यह हमारी यूनिट प्लेस है। अब नेक्स्ट टू यूनिट प्लेस, ये जो ये प्लेस है इसे हम टेंस प्लेस काउंट करते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास नंबर है 1 0 10, तो ये हमारी 10 प्लेट से एक बीट ऊपर हो जाएगी। तो जीरो हम बीट्स को मूव नहीं करेंगे अगर जीरो नंबर आएगा। सपोज तो अभी हमारी वैल्यू हो गई 10, अभी -10 होगा तो ये टेंस की प्लेस का बीट्स नीचे हो जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज मेरे पास नंबर है 11, तो 1 बीट फ्रॉम टेंस प्लेस एंड 1 बीट फ्रॉम यूनिट प्लेस। तो अभी मेरी वैल्यू हो गई 1 1 11। अब सपोज मुझे और नंबर लेना है 22, तो 2 बीट्स फ्रॉम अ टेंस प्लेस एंड 2 बीट्स फ्रॉम अ यूनिट प्लेस। तो अभी मेरी वैल्यू हो गई 3 3 33, बिकॉज जो 3 बीट्स हैं वो टेंस प्लेस में टच हो रहे हैं और 3 बीट्स हैं वो यूनिट प्लेस में टच हो रहे हैं। तो इसी तरह मेरी वैल्यू हो गई 33। अब सपोज ये 33 वैल्यू में से मुझे खाली -2 करना है, तो मैंने यूनिट प्लेस का, अगर कभी भी याद रखिए अगर सिंगल नंबर है तो हमें हमेशा यूनिट प्लेस को ही यूज़ करना है, तो यूनिट प्लेस से मैंने -2 कर दिया। तो अब मुझे वैल्यू मिल गई 3 1 31। अब सपोज मुझे -1 और करना है, तो मैं फिर से सिंगल नंबर है तो उसको यूनिट प्लेस से ही माइनस करूँगी, तो फिर से मुझे वैल्यू मिल गई 3 0 30। तो ऐसे आप टेंस और यूनिट्स प्लेस का इस्तेमाल करके डबल डिजिट, 2 डिजिट के नंबर्स के साथ उसको कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एबेकस सीखना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।